हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और जैसे कि छठ स्पेशल चल रहा है तो चलिए हम आज एक नया डिश बनाएंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की पूड़ी। गुड़ पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और नॉर्मल पूड़ी जब हमें इतनी अच्छी लगती है तो गुड़ उसमें डाल दें तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, थोड़ा सा मैंने गुड़ ले लिया है, थोड़ा सा मैंने देखिए छोटी सी कटोरी में मैंने सौंफ लिया है, इलायची पाउडर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और थोड़ा सा हम नमक स्वाद अनुसार भी ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं गेहूँ का आटा जो है हम लेके हम उसको गून लेंगे। गूंदना मतलब हमें थोड़ा डो बना लेना है, जैसे हम रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं फ्रेंड्स, सेम हमें वैसे ही इसको गून लेना है। इसमें देखिए हमने जो भी सौंफ लिया था, हमने इलायची पाउडर लिया था और हमने थोड़ा सा जो रिफाइंड ऑयल लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, और गुड़ जो हमने थोड़ा सा आधा कटोरी लिया वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम गुड़ पूड़ी बनाने जा रहे हैं। गुड़ पूड़ी में तो जब तक गुड़ नहीं डालेंगे तो फ्रेंड्स कैसे गुड़ का स्वाद आएगा, गुड़ पूड़ी कैसे बनेगी। तो हमने देखिए गुड़ थोड़ा सा डाल दिया है, तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है जिससे गांठ ना हो, और हम डो तैयार कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमारा जो डो है इस तरीके से हमने अच्छे से गूंद के इसको तैयार कर लिया है, और ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, आप देख सकते हैं। इसको अब मैं छोटे छोटे गोले में मैं बना लूँगी। हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो डो है वो स्मूथ आपका बस होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा आपका टाइट रहना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम गोले छोटे छोटे मैं तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैं छोटे छोटे गोले जो हैं इसके हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से हमने गोला हमने तैयार कर लिया डो से। तो चलिए अब आगे मैं सबसे पहले इसको पूड़ी का हम शेप देंगे। तो उसके लिए मैं देखिए इस तरीके से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो है उसको लगा के फिर हम इसको पूड़ी का शेप देंगे। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमको हाथ से ही मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया है। हमें ज़रूरी नहीं कि हम चकले में इसको बेलें, हम हाथ से थोड़ा सा इसको रिफाइंड ऑयल लेके हमें इस तरीके से गुड़ पूड़ी का शेप हमें तैयार कर लेना है। देखिए कितना अच्छा शेप बना है, कितना अच्छा आकार बना है। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी इसी तरीके से हाथ से अच्छे से रिफाइंड ऑयल यूज़ करके हल्का हल्का हमें प्रेस करके इसको छोटा सा पूड़ी के शेप में हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सबको गुड़ पूड़ी बना लेती हूँ। इस तरीके से हम शेप में तैयार कर लेते हैं गुड़ पूड़ी का। इस तरीके से हमने पूड़ी जो तैयार कर ली है हमने शेप में गुड़ पूड़ी। तो चलिए अब मैं तलने का प्रोसेस कर लेते हैं हम इसको। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है और मैं रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है, मैं रिफाइंड फॉर्चून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा आपका देखिए हम अच्छे से इसको तल लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, एक एक करके हमको तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने डाल दिया है इस तरीके से गुड़ पूड़ी। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे शेप में मैंने तैयार किया था, और इस तरीके से आपको लगातार चला के आपको इसको चला के इसको तल लेना है। आपको हमें इसका फ्रंट साइड बैक साइड दोनों ही हमें लगा के अच्छे से इसको तल लेना है, और इसको हमें कलर तब तक चलना है जब तक हमारा जो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो चलिए पहले मैं इसको तल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी होकर फूल के हमारी पूड़ी बन रही है। देखिए इस तरीके से हमारी जो गुड़ पूड़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया तला है, बहुत ही बढ़िया कलर आया, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देखने में टेस्टी लग रही है फ्रेंड, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी गुड़ पूड़ी। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको तल के मैंने तैयार कर लिया, और हमने इसको थोड़ा सा ठंडे से इसको तेल को छान के मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया, और इस तरीके से मैंने पूड़ी रख दी है। तो चलिए जो अब हमारी बची हुई हमने जितने भी बेल के रखे थे उनको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से तल लूँगी। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरीके से इसको तल लेना है।
देखिए फाइनली हमारी गुड़ की पूड़ी बनके तैयार हो गई है और मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने एक प्लेट में सजी हुई प्लेट में मैंने सर्व कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड। और छठ स्पेशल है, छठ में आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को ज़रूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसी बनी है आपकी गुड़ पूड़ी ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो चलिए, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में, चैनल भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।